नमस्कार, मैं देवेंद्र करमदिया, टीम्स एडमिन, डॉन बॉस्को अलीराजपुर। आज आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में साइन अप करने का तरीका बताने वाला हूँ। इसके लिए आपके मोबाइल पर सबसे पहले जीमेल आईडी आपका खुला हुआ होना चाहिए, उस वो अप्रोचेबल होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोडेड होना चाहिए। लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लॉगिन करने का प्रयास नहीं करना शुरू में, आपको बस टीम्स को डाउनलोड करके छोड़ दो। उसके बाद आपको जीमेल पर जाना है। यदि आपने टीम्स में ऑलरेडी लॉगिन करने की कोशिश की है, लॉगिन किया है, तो उसको लॉग आउट कर लीजिए। सेटिंग्स में ऑप्शन रहता है, सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद सबसे डाउन में बॉटम में साइन आउट का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से आप साइन आउट कर लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले जीमेल के इन्विटेशन पर जाना है, जो आपको स्कूल से इन्विटेशन आया जीमेल पर। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जीमेल आईडी खुली हुई है, जो आपने स्कूल में दी है वो आईडी। तो आप जब जीमेल खोलेंगे तो आपको इनविटेशन दिखेंगे दो प्रकार के। एक इनविटेशन तो वो होगा जो शुरू में आया था, जो आपको टीम्स में ऐड करने का, और दूसरा जब आपको क्लास में ऐड किया गया तब का इनविटेशन आया होगा। देखिए, आपको फिर से बताता हूँ। ये जब जीमेल खोला जीमेल में आपको यदि डायरेक्ट नहीं दिखता है, हाँ देखिए यहाँ पे दो मेल हैं। एक तो देवेंद्र इनवाइटेड यू टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इनवाइटेड वाला है, एंड दूसरा है यू हैव बीन एडेड एज गेस्ट। तो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसको वो इस लिंक से, प्रीवियस लिंक से, इनवाइटेड लिंक से कैसे टीम्स को ज्वाइन करना, उसके लिए वीडियो बनाया था। वो हो सकता है बड़ी लेंथी प्रोसेस हो इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे, तो एक और मैं प्रोसेस इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो सेकंड मेल आता है, जब आपको क्लास में ऐड किया जाता है उसके बाद जो मेल आता है उससे कैसे टीम्स में साइन अप करना। तो ये जो यू हैव बीन एडेड एज गेस्ट, ये वाला जो मैसेज आता है माइक्रोसॉफ्ट टीम से, इस मैसेज पे क्लिक करना है आपको। अब अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है तो आप अपडेट्स फोल्डर में देख सकते हैं, इसमें अपडेट्स में, या फिर रिफ्रेश कर सकते हैं आपके इनबॉक्स को, जैसे आप जब फिंगर को डाउन करते हैं तो उससे रिफ्रेश हो जाता है, या फिर ये अपडेट्स फोल्डर जैसे दिख रहा है इसमें ऑप्शंस में जाके अपडेट्स में, तो भी आपको मिल जाएगा ये वाला। इस मेल को क्लिक करने के बाद आपको क्लास दिखती है आपकी, और उसके नीचे लिखा हुआ दिखता है ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। ये खुलने में थोड़ा समय ले सकता है। उसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपके पास है ही नहीं, आपने क्रिएट नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड आप डाल दीजिए जो बनाने वाले हो, जैसे नाम के साथ 123 डाल देंगे तो भी चलेगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा तो भी चलेगा ना। तो नाम डाल दीजिए और 123, जैसे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ अभी। तो ये बोलेगा रॉन्ग पासवर्ड है, ये पासवर्ड रॉन्ग है, तो आपको रिसेट इट नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी तो पासवर्ड था नहीं हमारे पास, हम तो क्रिएट कर रहे हैं पासवर्ड, इसलिए रॉन्ग बता रहा है, इसलिए रिसेट इट नाउ यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तब ये आपको एक वेरिफिकेशन मेल भेजेगा। देखिए, तो वो मेल ये पूछ रहा है, कोई एक कोड भेजेंगे हम, तो गेट कोड नाउ पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये वेट करेगा कोड के लिए। तो हम लोग वापस मेल आईडी पे जाएंगे, मेल एक और वेरिफिकेशन कोड आया होगा एक मेल पे, ये पहले वाला खुला हुआ दिख रहा है, इसको बैक जाना पड़ेगा क्योंकि हमने ये मेल खोला था बैक में। अब देखिए नया मेल आया हुआ है, अगर नहीं आया हो तो फिंगर डाउन करके आप करेंगे, स्वाइप करेंगे फिंगर को तो रिफ्रेश हो जाएगा, दिख जाएगा। अब आपको ये कोड जो है ये यहाँ से कॉपी कर लिया या लिख लिया, और वापस वो वाली विंडो खोलेंगे जहाँ पर हम पहले गए थे, वो कोड मांग रहा था वहाँ पर, यहाँ पर कोड को हम पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे। आई हैव कोड पे क्लिक करेंगे इस बार, आई हैव कोड, और कोड को पेस्ट कर देंगे। जब वापस वहाँ जाते तो वो उस समय आई हैव कोड पे
क्लिक करना है, क्योंकि गेट कोड में तो फिर से कोड भेज देगा। अब नया पासवर्ड डाल दीजिए अपना, फिर से वही नाम आपके नाम के साथ 123 या सिंपल कोई भी पासवर्ड बना लेना जो अभी तक आपने नहीं बनाया हो। दो बार डालना पड़ेगा पासवर्ड, और इस पासवर्ड को नोट कर लेना, 8 कैरेक्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट साइन इन पर क्लिक करेंगे, अब पासवर्ड चेंज हो गया हमारा। अब फिर से पासवर्ड डालेंगे जो नया पासवर्ड बनाया था वो। फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे नो थैंक्स कर दीजिए, ये ब्रेक फ्री फ्रॉम पासवर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब ये डॉन बॉस्को का एक्सेप्टेशन आ जाता है, उस पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब ये नीचे आपसे पूछ रहा है, देखो ये कि आपको कहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ वो स्क्रीन, हाँ यहाँ पे इस जगह आपसे पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ से खोलना है, टीम्स से खोलना है कि क्रोम से खोलना है। तो यहाँ नाउ नीचे जो आप टीम्स दिख रहा है, टीम्स पे इसको खोलना है, टीम्स से, टीम्स पे क्लिक करना है, टीम्स, ये आपको टीम्स पे ले जाएगा। अब इस पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन, अब यहाँ पे आपसे फिर आपको फिर से वही वाली मेल आईडी डालना है जिस मेल आईडी से आप चले थे, क्योंकि ये अभी टीम्स अपनी तरफ से ये आईडी पूछ रहा है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लॉगिन कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे मेल आईडी डाल के, फिर पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालें, बीच में ऐसा भी पूछ सकता है कि डॉन बॉस्को पे क्लिक करने का ऑप्शन भी आ सकता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करें, यदि डॉन बॉस्को लिखा हुआ कहीं पे आ जाए तो डॉन बॉस्को पे क्लिक कर देना, और ये आपका साइन अप हो गया है। यहाँ पे बैक एरो करेंगे तो फिर आप वापस टीम्स वगैरह सभी ऑप्शन आएंगे, आपकी क्लास भी शो हो रही है, देखिए ये आपकी क्लास शो हो रही, और इस क्लास में के नीचे जो जनरल लिखा हुआ है उसके सामने आप जब भी क्लिक करेंगे क्लास के टाइम पे, तो आपकी क्लास ज्वाइनिंग लिंक आ जाएगी। ओके।